हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। तो जैसा कि हमारे को नाम पता है कि इंटर मॉलिकुलर है वो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इंटर स्कूल कंपटीशन सुना होगा, मतलब स्कूल स्कूल के बीच में जो कंपटीशन होगा उसके बच्चों के बीच में, दूसरे दूसरे स्कूल स्कूल के इंटरनेशनल, आपने सुना होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, सो बिटवीन द टू नेशनल्स, राइट। तो यहाँ पे वही बात है, इंटर मॉलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, दैट इज इंटर मॉलिकुलर। तो यहाँ जो फोर्स आपस में लगाएंगे एक दूसरे पे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा, दैट्स कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। ये जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो इनका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है जो कि काफी जनरल ग्राफ है। दिस इज अ पॉजिटिव फोर्स, दिस इज नेगेटिव फोर्स। तो जनरली नेगेटिव फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरली नेगेटिव लेके चलते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्सन को पॉजिटिव मानते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये फोर्स वर्सेस आर का डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, और फोर्स इस तरह से वैरी करेगा, ये हमारे को बस ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यूज कुछ हमें याद नहीं करनी है कि ये किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, इस वैल्यूज को हमें याद नहीं करनी है। और कुछ वैल्यूज एक्चुअली ग्राफ का आइडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है कुछ भी। तो एक रफ आइडिया होनी चाहिए कि ग्राफ वैरी कैसे करता है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो कोई डिस्टेंस होगा आर, आर नॉट, उसके लिए फोर्स जीरो है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जहां पर फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम भी होता है। तो एक आइडिया हमारे को ये लग गया कि चलो भाई इक्विलिब्रियम हो सकता है इसमें। दूसरा है कि यहाँ जो ग्राफ है बहुत डीप जा रहा है नीचे, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है। तो ये पूछ सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो मिनिमम जो ग्राफ जा रहा है, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो वी कैन डू दैट, इसका कुछ इक्वेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसको आर से डिनोट करेंगे हम लोग, एफ आर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एफ ए से डिनोट करेंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैरी करता है सेवेंथ पावर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली रिलेशन है ये, और ये फॉलो करता है नाइन्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक रफ आइडिया हमारे को मिल गया कि हाँ इतना पावर हो सकता है। अब बात ये उठता है कि कितने तरीके के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर हमारे को पढ़ने हैं टू टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, IMF शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। पहला बोलते हैं फोर्स ऑफ एडेशन, राइट, एडेसिव फोर्स भी बोलते हैं, एडेसिव फोर्स। ये लगता है फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्या लगता है, यहां लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये लिख सकते हैं। तो एग्जांपल क्या ले हम लोग, एग्जांपल भी ले सकते हैं, वाटर वेट्स द वुडन सर्फेस वी कैन से, और एनी सर्फेस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स और वुडन सर्फेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ऑफ एडेशन। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वाटर वेट्स द ग्लास सर्फेस और वुडन सर्फेस, वॉट एवर। तो यहां मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास सर्फेस का मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन में आ गए एंड दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। दूसरा है कोहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहेजन भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि आपस में जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस,
लिख लो बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, राइट। किसी दूसरे से वो फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी को अगर हम किसी सरफेस पे रखें, मान लो हमने किसी ग्लास सरफेस पे रखा, फिर उसको उठाया, तो वो वेट नहीं करेगा सरफेस को। क्यों नहीं करेगा वेट? क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ मर्क्यूरी इज एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लास सरफेस आर नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, आपस में फोर्स नहीं लगेगा, बहुत ही मिनिमम फोर्स लगता है, बहुत ही कम फोर्स लगता है। एज कंपेयर टू विद इन द मॉलिक्यूल, हमारे पास जो मर्क्यूरी है उसके विद इन जो मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं एज कंपेयर टू ऑन द ग्लास सर्फेस। तो लिख सकते हैं मर्क्यूरी, दैट मीन्स एच जी, डज नॉट वेट द ग्लास सर्फेस। ठीक है, वेट करने की तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना एक दूसरे पे, जो कि वो लगाते नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस और फोर्स ऑफ कोहेजन। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टर्म्स इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। हेलो बच्चों, सरफेस टेंशन आप लोगों ने सुना होगा, नाम जरूर सुना होगा। इसको हम लोग डेली लाइफ में देखते भी हैं, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, तो हम लोग उसको भी सरफेस टेंशन मानते ही नहीं है, सोचते नहीं है उसके बारे में, राइट। लेकिन डेली एग्जांपल में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये सरफेस टेंशन है क्या चीज, होता क्या चीज है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली किसी लिक्विड का प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, कि वो अपने आप को मिनिमम एरिया में रखना चाहता है, मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है, राइट। तो डिफाइन क्या कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्चू ऑफ विच द लिक्विड एट रेस्ट वांट टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना चाहता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रेच होता है सरफेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पोजिशन में होता है। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आपके पास कोई सोप का फिल्म है, सोप सॉल्यूशन है मान लेते हैं, ये पूरा यहां पर जो है वो सोप का सॉल्यूशन है और ये थिन वायर है। यहां पर अगर हम लोग किसी थ्रेड को डाल दें, सर्कुलर थ्रेड है ये, क्या है ये थ्रेड, तो लिक्विड क्या करता है कि द लिक्विड एनी लिक्विड वांट टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, तो ये जो थ्रेड है वो लूज हो जाता है और कुछ ऐसा इरेगुलर शेप बना लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहां से भी कॉन्ट्रैक्ट, चारों ओर से लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, तो ये इरेगुलर शेप थोड़ा ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक निडिल ले लो और यहां पे बीच में ऐसे मार दो, तो क्या हो गया, यहां पे जो सॉप सॉल्यूशन है वो खत्म हो गया, लेकिन इधर का सॉप सॉल्यूशन बचा हुआ है, जो फिल्म बना है वो बचा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, दिस इज स्टेप वन, इसके बाद ये टू है, इसके बाद ये थ्री है, इसके बाद क्या होता है, ये फिर से सर्कुलर बन जाएगा, पूरा रेगुलर सर्कुलर। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड बच गया है बाहर में, थ्रेड के बाहर, वो वांट्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा बाकी बचा हुआ लिक्विड। सो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पूरे सारे फोर्सेस वो अपनी तरफ लगाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं। सो बाय डूइंग सो दिस थ्रेड एक्वायर्स अगेन द रेगुलर सर्कुलर शेप एंड बिकम्स स्टेबल ऑन। तो हम लोग जो बात करते हैं सरफेस टेंशन की, लिक्विड की, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, तो कोई अगर लिक्विड ड्रॉप है तो वी कैन डिवाइड दिस लिक्विड ड्रॉप इन टू पार्ट्स बाय टेकिंग अ लाइन एल। नाउ ईच पार्ट ऑफ द लिक्विड
ट्राई टू अट्रैक्ट दी अदर पार्ट, मतलब इधर का लिक्विड है इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा ऐसा विद सम फोर्स, इधर का लिक्विड इसको बोलेगा भाई अट्रैक्ट हो जाओ, लाइक कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इधर का लिक्विड इसको इधर खींचेगा और इधर का जो लिक्विड है बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ, राइट। दे ट्राई टू पुल ईच अदर। सो सरफेस टेंशन जो होगा, मेजरमेंट फॉर्मूला, सरफेस टेंशन लिखेंगे एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर। ये द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आप लोग बच्चों इसको ध्यान में रखना, इसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ यहां लिखा नहीं है, आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप समझ गए हो जो कि समझना भी चाहिए तो आप खुद से लिख सकते हो, राइट। तो लैंग्वेज आप खुद से बनाओ ज्यादा अच्छा होता है, नोट्स आप खुद से बनाओ ज्यादा अच्छा होता है बाई अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी नोट्स की जरूरत मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप समझ गए तो खुद से लिख सकते हो और खुद से अपना नोट्स बना सकते हो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरी चाइल्ड। किसी का नोट्स ले लो, पढ़ रहे हैं उससे समझ में आया नहीं आया तो वो थोड़ा अजीब लगता है। सो मेक योर ओन नोट्स और बी सेल्फ सफिशिएंट, राइट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। सरफेस एनर्जी बच्चों, एक्चुअली एनर्जी क्या चीज होता है, मतलब जितना हमें काम करना पड़े किसी चीज को करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि हमने उतना एनर्जी को पार किया, उतना एनर्जी के इक्वल काम किया। मतलब अगर मुझे छत पे चढ़ने के लिए 2 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो मैं लिफ्ट से जाऊंगा, लिफ्ट मेरे को पहुंचा देगा छत पे, तो मैं ये बोलूंगा कि वर्क डन बाय द लिफ्ट इज इक्वल टू 2 जूल, क्योंकि लिफ्ट ने ही तो मुझे पहुंचाया है छत पे, रूफ टॉप पे जाने के लिए। तो जो 2 जूल की एनर्जी थी, दैट इज द वर्क डन बाय द लिफ्ट, राइट। सिमिलरली यहां भी है, मतलब जैसे लिफ्ट ने मेरे पे फोर्स लगाया, मतलब मेरा वेट तो नीचे लग रहा है, उसने वेट के अगेंस्ट में काम किया है कुछ, मेरा वेट इज एक्टिंग डाउन और लिफ्ट मुझे उठा के ऊपर ले गया। सो दैट इज द वर्क डन बाय द लिफ्ट, दैट इज इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड बाय मी, जो 2 जूल की एनर्जी चाहिए थी मुझे ऊपर जाने के लिए। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं इस केस में कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द सरफेस वाला फोर्स, सरफेस यहां पे लिखा गया ना अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, इसके अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है किसी एरिया को फॉर्म करने में, उसे बोलेंगे हम लोग सरफेस एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और डिराइव भी कर लेते हैं कि बेसिकली डिराइव कैसे होता है। हम लोगों ने क्या किया, कोई ऐसा पतला सा वायर का फ्रेम ले लिया, ऐसा इसको नाम दे दो ABCD। इस फ्रेम को हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन में डुबाया तो एक फिल्म बन गया, ये लेयर सा बन गया, हमने देखा भी है, इंडिया गेट पे जाते हैं ना, देखा है ना कि वो बबल वाला होता है, वो वायर होती है पतली सी, उसके पास गोल सा सोप सॉल्यूशन में डुबाएगा, ऐसे फूंक करके गुब्बारे उड़ाएगा, राइट। अलग अलग शेप्स के भी बन जाते हैं गुब्बारे। तो हमने क्या देखा है कि वो सोप सॉल्यूशन ही तो है जिसे वो फूंक मार के उड़ा देता है, तो यही हमारा सोप सॉल्यूशन है, ये हमारे पास फ्रेम है। AB इज द वायर विच कैन स्लाइड, AB कैसा वायर है विच कैन स्लाइड। तो ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन बना है ABCD में जो फ्रेम में, ये अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में रखना चाहेगा, क्योंकि इसके बिहेवियर है सरफेस टेंशन फोर्स है, वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही लगाया, और धीरे 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 किसका आके यहां ले आए, दिस इज B' और A', है ना, ये डिस्टेंस हम लोगों ने दे दिया x। तो वी आर वर्किंग अगेंस्ट दिस फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, STF है,
एसटीएफ का मतलब सरफेस टेंशन फोर्स, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने उसको खींचा, इस वायर को खींचा और एरिया को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो बच्चों माइक्रो लेवल की बात करें, ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन बनता है इसके दो लेयर होते हैं, वो सो नेकेड आई से नहीं दिखता है बट वहां पर टू लेयर्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां पर मैं फाइंड करने वाला हूं कि एरिया, एरिया चेंज इन एरिया कितना हुआ। ये लेंथ एल है, पहले स्क्वायर शेप है ये, तो ये भी लेंथ एल है ऐसा। तो चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया तो इतना होगा जितना हमने खिसकाया है, एल इंटू एक्स। तो लिख सकते हैं चेंज इन एरिया एल इंटू एक्स, सिंस वी आर वर्किंग फॉर टू लेयर्स तो आपको यहां टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं वर्क डन, हमने कितना काम किया है, फोर्स इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स का वर्क डन हुआ है हमारे पास, जो हमने किया है खिसका खिसका कर। तो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमने वर्क डन किया है वो एफ इंटू एक्स हो गया है। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, सरफेस टेंशन फोर्स एस होता है, फोर्स अपॉन एल, ठीक है। तो ये जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एस इंटू एल आएगा, ठीक है। तो एस इंटू एल है हमारे पास, तो फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं एस इंटू एल। अब जब दो लेयर की बात होती है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे टू एफ एक्स लिखनी चाहिए थी मुझे, तो ये टू एस एल एक्स हो गया, और वी कैन से एस इंटू टू एल एक्स। टू एल एक्स क्या है, चेंज इन एरिया, मतलब इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ए लिखेंगे। सो आई कैन राइट एस इंटू डेल्टा ए। सो दिस वर्क डन हमें क्या मिल गया, एस इंटू डेल्टा ए मिल गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होंगे, जो हमने काम किया है वो कहां गया, सिस्टम में सरफेस एनर्जी को चेंज करने में गया है। सो वी कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, छोटा सा ही डेरिवेशन, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आने वाले, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी काम आने वाले हैं, प्लीज नोट इट डाउन गाइस।